हम में से कौन होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। बतौर हीरो अपने फिल्म करियर शुरू करने वाला चक्की पांडे तमाम उतार चढ़ाव देखे, जो फिल्म इनके करियर की सबसे सफल फिल्म बनी। इसी फिल्म ने चक्की पांडे का हीरो का दर्जा भी छीन लिया था। हालात ऐसी बनी कि चक्की पांडे को बांग्लादेश जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन चक्की ने वहाँ सफलता का झंडा गाड़ दिया। बॉलीवुड की अपनी दूसरी पारी में चक्की पांडे कई तरह के किरदार निभाए और साबित किया कि वो वर्सटाइल एक्टर है। तो चलिए जानते हैं आज इन्हीं के बारे में, तो वीडियो का अंत तक बने रहें। चक्की पांडे का जन्म 26 सितंबर 1962 में मुंबई में हुआ। बाप ने इनको नाम दिया था सूर्यांश, लेकिन चूंकि बचपन में ये दिखने में बेहद गोल मटोल थे तो इनके देखभाल करने वाले आए इन्हें चक्की पांडे कहना शुरू कर दिया। इन्हीं से इनका नीक नेम चक्की हो गया। चक्की के माता पिता दोनों डॉक्टर थे। इनकी माँ का नाम था डॉक्टर स्नेहा लता पांडे और इनका पिता का नाम डॉक्टर सारथ पांडे। इनका पिता डॉक्टर सारथ पांडे मुंबई के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट थे और ये डॉक्टर के उस टीम के हिस्सा थे जिसने पहली बार भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी। चक्की के एक बड़े भाई भी जिनका नाम आलोक पांडे हैं और जिन्हें लोग प्यार से चिक्की पांडे कहते हैं। बचपन में चक्की को लगता था कि इनके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं तो बड़े होकर इन्हें भी डॉक्टर ही बनना हो, मगर पढ़ाई लिखाई में यह एकदम कमज़ोर थे, इसीलिए 10वीं क्लास में कई दफ़ा फेल हुए थे। इसलिए एक वक्त इन्हें अफसोस हो चुका था कि डॉक्टर बनना इनके बस की बात नहीं है। सूर्यांश उर्फ चक्की की पढ़ाई जिस स्कूल में हुई थी उससे कुछ फिल्म सितारों के बच्चे भी पढ़ा करते थे। यही वजह था कि छोटी उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्हें फैंसी नेट करती थी और आगे चल के इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ही करियर बनाने का फैसला किया। साल 1986 में इन्हें चक्की ने एक्टिंग सीखने के लिए एक्टिंग स्कूल में एडमिशन किया। अपना एक्टिंग कोर्स पूरा करने के बाद चक्की वहीं पर इंस्ट्रक्टर की हैसियत में नौकरी भी करने लगे। कहा जाता है कि अपनी इस नौकरी में चक्की ने अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सितारों को एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग भी दिया थी। फिर साल 1987 में फिल्म आग से ही आग चक्की का फिल्म सफर हुआ, लेकिन कम लोग ही इस बात से वाकिफ है कि चक्की का जिंदगी सबसे पहला प्रोजेक्ट एक फोटोशूट था। ये फोटोशूट जिस ब्लिट्स नाम की मैगनीज के कवर के लिए किया गया, और चूंकि चक्की पर्सनालिटी बहुत बढ़िया थी तो फोटोग्राफर राकेश सेठ के कहने पर चक्की को ये फोटोशूट भी मिला। बात अगर चक्की की पहली फिल्म की करें तो ये फिल्म मिलने की कहानी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल संजय दत्त और पहली फिल्म रॉकी में चक्की पांडे गाने में नजर आए थे। रॉकी चलते चक्की का जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन चक्की के फिल्म पट्टियों में वाइट करने लगे थे। एक दिन पार्टी में चक्की ने काफ़ी शराब पी, फिर उन्हें वॉशरूम करने जा रहे हैं। इन्हें दिग्गज प्रोड्यूसर पहलवान निहालिन अपने पजामे के नाड़े संग खर्च करने नजर आए। दरअसल पहलाज इस वक्त में कुर्ती पजामा पहनकर पहुंचे थे और वॉशरूम में उनके पजामा का नाड़ा खुल रहा था। चक्की ने पहलाज का नाड़ा खुद अपने हाथों से खोला। पहलाज चक्की इंप्रेस हो गए और इन्हें चक्की से इनके बारे में पूछा। जब चक्की ने पहलाज को बताया कि ये एक्टर बनना चाहते हैं तो पहलाज ने तुरंत कहा कि अपनी फिल्म आग ही आग से मैं तुम्हें लॉन्च कर रहा हूँ। पहले तो चक्की का भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब पहलाज ने बताया कि मैंने गोविंदा नाम के एक्टर को अपनी फिल्म इल्जाम में लॉन्च किया है तो इन्हें यकीन हो गया। पहली फिल्म में चक्की को धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिला। चक्की की पहले हीरोइन नीलम, जिनके साथ इन्होंने और भी कुछ फिल्मों में काम किया। जिस जमाने में चक्की बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया वह मल्टी स्टार फिल्म का दौर था। पहली फिल्म आग ही आग के बाद पहलाज निलानी ने चक्की को अपने करियर की दूसरी फिल्म पाप की दुनिया में भी दी। इसके बाद चक्की ने गुनाह का फैसला, खतरों खिलाड़ी, अग्नि, कसम, वर्दी का घर का चिराग जैसी मल्टी स्टार फिल्मों में काम किया। यूं तो चक्की पांडे ने सोच कर इन फिल्मों में काम करते जा रहे थे, अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो अकेले इनके कंधों फ्लॉप फिल्म का बोझ नहीं आएगा। लेकिन इससे एक बुरी बात ये कि चक्की को सोलो एक्टर वाली फिल्म मिलने लगभग बंद हो ही गई। इन्हें मिलने वाली ज़्यादातर फिल्म ऐसी होती जिनमें इन्हें हीरो के भाई या दोस्त का रोल ऑफर होता था। तेजाब इकलौती ऐसी फिल्म जिसमें सपोर्टिंग होने के बावजूद इनकी चक्की पांडे का किरदार बहुत बढ़िया था। ये किरदार बहुत पसंद भी आया। चक्की पर फिल्माया गया शो गया एक जहाँ गीत भी बहुत पॉपुलर हुआ। चक्की के शानदार काम प्रभावित होकर फिल्म फेयर इनसे किरदार को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया था। साल 1993 में
आने तक चक्की कई फिल्मों में काम कर चुके थे। हालांकि इनमें ज़्यादातर फिल्म मल्टी स्टार ही थे। चक्की के करियर की सबसे बड़ा हिट और सफल फिल्म साल 1993 में आंखें और जिसमें इनके साथ गोविंदा कदर खान जैसे बड़े नामी सितारे थे। गोविंदा संग चक्की की कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और आंखें उस साल बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। साल 1995 में आते आते बॉलीवुड मल्टी स्टार फिल्मों का चलन खत्म हो गया। चक्की खुद को पहले ही फिल्म से दूर हो चुके थे। अब तक ये अफसोस आने बंद हो चुके थे जो कभी कभार इनके पास आ जाते थे। चक्की बेहद निराश और अफसोस से घिर चुके थे। इसी दौरान इनसे मिलन हुआ। इनका वो दोस्त बांग्लादेशी था। चक्की के हालात के बारे में इस दोस्त ने को पता चला। इसने सलाह दी बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री में काम करो, वहाँ तुम्हें लोग पसंद भी करते हैं। शुरुआती कसम कास के बारे में आखिरकार चक्की बांग्लादेश ही चले गए। चक्की पांडे के अपनी फिल्म में देखकर बांग्लादेश के सीन प्रेमी बहुत खुश हुए। पहली फिल्म में बांग्लादेश में छा गई। चक्की ने बांग्लादेश में कुछ 7 फिल्में काम किया और ये 7 फिल्म कामयाब रही। देखते ही देखते चक्की पांडे बांग्लादेश में सुपरहिट स्टार बन गए। इस दौरान चक्की पांडे ने अपनी गर्लफ्रेंड भावना से शादी की और नई नवेली पत्नी को हनीमून में बांग्लादेश ही ले गए। बांग्लादेश में चक्की का बेशुमार लोकप्रियता देखकर उनकी पत्नी भावना हैरान रह गई। लेकिन भावना ही थी जो चक्की से कहा कि तुम्हारी असली जगह बॉलीवुड है, इसलिए तुम्हें बॉलीवुड में वापसी करना चाहिए। पत्नी की सलाह मानते हुए चक्की ने बॉलीवुड में फिर से शुरुआत करने ठानी और वो भारत वापस लौट गया। चक्की भारत तो लौट आए थे लेकिन परेशानी ये थी कि अब दोबारा करियर शुरू करने में इनका सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन्हें काम ही नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने तय किया कि फिल्मों में छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल तलाश करेंगे। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म कयामत चक्की पांडे की दूसरी बॉलीवुड पारी पहली फिल्म थी। चक्की साइंटिस्ट वाला रोल हर किसी को पसंद आया। फिर राम गोपाल वर्मा चक्की पांडे को अपनी फिल्म डी में राघव नाम के एक गैंगस्टर का जबरदस्त रोल दिया। इसके बाद तो चक्की की गाड़ी एक बार फिर से चल निकली। अपनी दूसरी पारी में चक्की ने अपने सपना मनी मनी दरवाजा, डाउन द विगीस और ना जाने कई फिल्मों में जैसी काम किया। चक्की पांडे की निजी जिंदगी मार बात करें तो 2 बेटी पिता हैं। इनकी बड़ी बेटी अनन्या पांडे एक्ट्रेस और कुछ बड़े बजटों की फिल्मों में काम कर चुकी है। चक्की की छोटी बेटी का नाम है रीसा और ये फिलहाल रीसा पढ़ाई कर रही है। अपनी पत्नी के भावनाओं के साथ मिलकर चक्की पांडे मुंबई में एल्बो रूम नाम का एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। साथ ही बॉलीवुड इलेक्ट्रिक नाम की इनकी एक कंपनी भी है जो लाइव शोज ऑर्गेनाइज कराती है। चक्की कुछ वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी है, साथ ही कुछ और फिल्म जिनके भविष्य में हम चक्की पांडे को एक्टिंग करते देखेंगे। धन्यवाद। जय जय भारत।